गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी मैं नहा चुकी हूँ और अब मैं बनाने जा रही हूँ अपना मॉर्निंग जूस। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, अभी 9:48 के करीब टाइम हो रहा है, लेकिन 10 बजे तक मैं सारा काम खत्म कर लूँगी। मैं अपना जूस भी बना लूँगी और पी भी लूँगी। आज जो मैं जूस में बना रही हूँ वो है ये घिया, और मैं ले रही हूँ कुकुम्बर और एप्पल। इन तीनों को मिक्स करके मैं बनाऊँगी। जो घिया वाला था वो बहुत कड़वा लगता है, देखते हैं आज कैसा टेस्ट आता है। तो अभी मैं आपको जूस बनाने के बाद फिर मिलती हूँ। मेरा जूस रेडी हो गया है ये ना, और अब मैं आप लोगों को टेस्ट करके बता देती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। आज का मैं आराम से पी सकती हूँ वरना रोज तो मैं जबरदस्ती पीती थी। तो अभी मैं अपना जूस फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को मिलूंगी ब्रेकफास्ट में। और अब बज चुके हैं 11:12 हो चुका है, इसमें उल्टा दिखाई दे रहा है, और अब हो चुका है मेरे ब्रेकफास्ट का टाइम। और ब्रेकफास्ट में मैं ले रही हूँ एप्पल और नाशपाती। दो फ्रूट्स थे आज मेरे पास, तो मैं आज दो फ्रूट ले रही हूँ। तो अब बज चुके हैं 12:30 और अब मैं कर रही हूँ अपना लंच। लंच में मैंने चावल बनाए हैं, ये ब्राउन राइस नहीं है, ये वाइट वाले ही हैं, क्योंकि मेरे पास ब्राउन राइस नहीं थे तो इसलिए मैंने वाइट वाले ही बनाए हैं। टेस्ट में भी काफ़ी अच्छे हैं। तो अभी बज चुके हैं 7:02 हो गया है और डिनर का टाइम हो गया है। डिनर में मैंने बनाया है ये टमाटर, गोभी और खीरे का सलाद। तो अभी मैं इसमें पहले थोड़ा सा ये सेंधा नमक डाल लेती हूँ, थोड़ा ये टेस्टी हो जाए, ताकि पता ये बहुत इजीली बन गया, मतलब मैं 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे मुझे इसको बनाने में। टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर आप भी सात्विक डाइट कर रहे हो ना, तो एक दिन इसको बना के देखना, बहुत टेस्टी है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। कभी बिजी हो, टाइम ना हो खाना कुक करने का, तो ये ट्राई कर सकते हैं। इसमें जो गोभी मैंने ऐड करी ना, उसको मैंने उबाला था बस, बाकी खीरे तो कच्चे ही होते हैं
और टमाटर भी कच्चे हैं, बस गोभी को मैंने उबाल के खाया है और उबालने के बाद ज़्यादा ठीक लग रही है मुझे। मुझे ना एक कमेंट भी आया था कि आप डिनर में भी वो सात्विक रोटी सब्जी क्यों खाते हो, डिनर में आपको सूप लेना चाहिए या सलाद लेना चाहिए। तो मुझे नहीं पता आप जिसने भी ये कमेंट किया था अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे, मैं पूरे दिन काम करके रात को मैं बहुत थक जाती हूँ और मुझे रात को अच्छा खाना चाहिए होता है। अब अगर सूप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैंने एक बार ट्राई किया था और उसके बाद मेरे को सूप मतलब बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता, और सलाद मुझे ठीक लगता है, आज मैं ले भी रही हूँ और इसको करूँगी आगे भी ट्राई। बाकी रही बात सात्विक रोटी लेने की और सब्जी लेने की डिनर टाइम पे भी, वो इसलिए मैं लेती हूँ क्योंकि मुझे रात को सुकून की नींद चाहिए। मैं नहीं चाहती कि, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप फिर आपको 11 बजे जाकर ही कुछ ढंग का खाने को मिलता है, इसीलिए मैं रात को अच्छे से खाकर सोती हूँ ताकि मुझे अच्छी नींद आए और मैं परेशान ना रहूँ कि मैंने कुछ खाया नहीं है, या फिर मुझे रात को बहुत ज़्यादा हंग्री फील ना हो। इस वजह से मैं रात को अभी सात्विक रोटी और सब्जी खा रही हूँ। और दूसरी बात कि अब एकदम से तो सारी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती ना, एकदम से तो बिल्कुल चेंज नहीं कर सकती, धीरे धीरे ही सब कुछ चेंज होगा, धीरे धीरे ही मैं देखती हूँ अगर मुझसे हो पाया तो मैं डिनर में सलाद ले लिया करूँगी या सूप भी ट्राई करूँगी अगर मुझे ठीक लगा तो। और मुझे एक और कमेंट आया था कि वो आया था कि आप मिट्टी के बर्तनों में खाना क्यों नहीं बनाते हो, आप ये ऐसे बर्तन क्यों यूज़ करते हो। तो मैं उन्हें भी बता दूं कि अभी मेरे पास मिट्टी के बर्तन नहीं हैं, जो बर्तन मेरे पास हैं मैंने उन्हीं बर्तनों में अपनी जो जर्नी है उसको शुरू कर दिया है।